ओम नमः शिवाय। अक्सर मेरे पास क्वेरीज आते हैं जिसमें कि लोग सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में पूछते हैं कि हम कुंडलिनी कैसे जागृत करें, कैसे हम चीज़ों को दूर से ही मूव कर सकें और किस तरह से हम अलौकिक शक्तियों को पा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा भारत था उसमें ये सारी विद्याएं सिखाई जाती थी, ये सब कुछ पहले मौजूद था हमारे भारत में, लेकिन समय के चलते वो ज्ञान हम भूल चुके हैं। लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जिससे कि आप उन सारी विद्याओं को फिर से अर्जित कर सकते हैं। तो बहुत से जिज्ञासु आते हैं और एक महीने का शौक पूरा होते ही साथ हाथ खड़े कर देते हैं, गुरुजी नहीं हो रहा। तो देखिए, जो साधनाएं होती हैं वो तलवार की धार पर चलने के समान होती हैं। आपने एक महीना किया, दो महीना किया, नहीं हो रहा तो आप हताश हो जाते हैं और वो साधना छोड़कर किसी और कार्य में लग जाते हैं या फिर कोई और ही जो है आप काम पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं साधनाएं बता रहा हूँ इनको आप नियमित रूप से कीजिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो सारी शक्तियाँ आपके पास होंगी जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। अब आज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पहला चरण है, पहला स्टेप है। एक अलौकिक शक्ति इससे आपके अंदर आ जाएगी और आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि पासपोर्ट समझिए इसको, क्योंकि सबसे पहले ये अलौकिक शक्तियों को अर्जित करने में आपको ये पासपोर्ट चाहिए होगा, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। कई लोग होते हैं जो कि बिना पासपोर्ट के साधनाएं करते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो भी जिज्ञासु हो, जो भी देखना चाहें कि चमत्कार किसे कहते हैं, वो इस टेक्निक का प्रयोग करें तो आपको एक टिकट मिल जाएगी साधना करने की। साधना बड़ी ही सरल है लेकिन जो इसके परिणाम होंगे वो चलती हुई ट्रेन को रोक सकते हैं, उड़ते हुए पक्षी को नीचे गिरा सकते हैं, आप किसी की भी भाषा समझ सकते हैं, कोई भी पशु हो पक्षी हो उसकी भाषा इससे आप समझ सकते हैं, बारिश करा सकते हैं कहीं पर भी और कहीं पर भी बारिश रोक सकते हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो कि आप सोच सकते हैं, आपकी सोच जहां तक जा सकती है आप वो सब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये कठिन साधना आपको पहले साधनी होगी, इस साधना के बाद ही आप ये सब कर सकते हैं। और जब तक ये पूरी ना हो जाए, चाहे इसमें आपकी पूरी जिंदगी क्यों ना लग जाए, तब तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साधना में आपको सुखासन में बैठ जाना है, कहीं पर भी जहां पर भी आप एकाग्रचित हो सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहाड़ों पर जाएं, पहाड़ों पर एक अलग ही वातावरण होता है, ऐसी जगह पर जाए जहां पर कि चिड़ियां चहक रही हो, जहां पर चिड़ियों की आवाज़ आ रही हो, या कोई गुफा, एक ऐसी गुफा जहां पर दूर दूर तक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसमें इन चीज़ों में अगर इन जगहों में आप जाएंगे तो आपकी साधना जल्दी ही फलित हो जाएगी। बस कहने का मतलब ये है कि आप एक बंद कमरे में भी कर सकते हैं लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अब आपने करना क्या है कि एक अपनी एक आसन बनाइए किसी भी चीज़ का, उसके ऊपर बैठिए और अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। पहले दिन अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, किस किस तरह के विचार आते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही कीजिए, एक हफ्ते तक ऐसे चलने दीजिए। अब धीरे धीरे करते करते आपको क्या करना है कि उन विचारों को शांत करना है, चाहे वो आपके खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो इस गुफा में रहने से हो, या किसी भी तरह का, मतलब आपको शून्य हो जाना है। बाहरी जो भी संपर्क है, जो भी बाहर से आ रहा है आपके भीतर, उसको रोकना है, चाहे वो विचार ही क्यों ना हो। उन सब पर जब आप एक पकड़ बना लेंगे, एक नकेल डाल लेंगे, उसके बाद आपके पास आती हैं गुप्त शक्तियां, कुछ ऐसा जो कि अलौकिक होगा, इस संसार से परे होगा, जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और मेरा यकीन मानिए, जब इस राह पे आप चल पड़ोगे तो अगर आपने इसका साक्षात्कार कर भी लिया, एक जरा सी झलक भी पा ली, तो आप इस संसार को भूल जाएंगे।
फिर आपकी जो जर्नी है वो इसी में ही निकलेगी कि ये चीज़ है क्या, ये मतलब ये कैसा एहसास है, ये किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। क्योंकि जो इस परमानंद के पास पहुंच जाते हैं उनको इसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। तो इसमें किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, और आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से ही इस साधना में लग जाइए। अपने विचारों पर कंट्रोल कीजिए, अपने विचार ना ही वो अच्छे हों ना ही बुरे हों, आपको उनको शून्य करना है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि इसको साधना बहुत ही कठिन प्रोसेस है, लेकिन निरंतर प्रयास करते करते, निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो आप में वो शक्ति डेवलप हो जाएगी कि आप अपने विचारों को शून्य कर पाएं, अपने दिल में जो भी भाव उठ रहे हैं उनको शांत कर पाएं। ये अगर आपने कर लिया तो ये आपकी पहली सीढ़ी होगी साधना की तरफ। इसके बाद अगर आप कुछ कह देते हैं किसी से या फिर कुछ भी आप सोच लेते हैं तो वो घटित हो जाता है। अगर आपने कुछ कह दिया तो वो घटित होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, या फिर अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो वो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिखेगा उसमें भेज सकते हैं। आशा करता हूं कि इस साधना में आप अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद।